हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2024 के 1900 मुकाबले के बारे में। इस मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स का सामना रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से था। यह मुकाबला राजस्थान के जयपुर में खेला जा रहा था। इस मुकाबले के लिए राजस्थान की टीम ने पिंक जर्सी पहनी थी। इस मुकाबले में राजस्थान के कप्तान संजू सैमसन ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बेंगलुरु की तरफ से विराट कोहली और फाफ डु प्लेसी ने शानदार शुरुआत की। दोनों ने पहले विकेट के लिए शानदार 125 रनों की साझेदारी की। इसके बाद डु प्लेसी 33 गेंदों में 44 रन बना के आउट हुए। उनके आउट होने के बाद कोई अन्य बल्लेबाज कुछ खास न कर सका, लेकिन दूसरे छोर पर विराट कोहली टिके रहे। उन्होंने 72 गेंदों में 113 रनों की शानदार पारी खेली, जिसकी बदौलत रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 20 ओवरों में 183 के स्कोर तक पहुंच सका। एक समय लग रहा था रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु इस मुकाबले में 200 का स्कोर बना सकता है, लेकिन किसी अन्य बल्लेबाज के ना चलने के कारण यह स्कोर 183 तक ही रह गया। राजस्थान की तरफ से यजवेंद्र चहल को 2 और आंद्रे बर्गर को 1 विकेट मिला। इसके बाद राजस्थान की पारी की शुरुआत यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ने की। राजस्थान की पारी की शुरुआत अच्छी नहीं रही। जायसवाल बिना खाता खोले ही रीस टॉपली की गेंद पर आउट हो गए, लेकिन उसके बाद जॉस बटलर और संजू सैमसन ने पारी को संभाला। इस मुकाबले में संजू सैमसन ने 42 गेंदों में 69 रनों की पारी खेली, वहीं जॉस बटलर ने 58 गेंदों में 100 रन बनाए। इस मुकाबले में कभी भी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस मुकाबले को जीत सकते हैं। इस मुकाबले को राजस्थान ने 1900 ओवर में बेहद ही आसानी से 6 विकेट से जीत लिया है। एक तरफ राजस्थान ने 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत हासिल की है, वहीं रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु अपने 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले हार चुकी है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे होने वाले मुकाबलों में बेंगलुरु वापसी कर पाती है या नहीं, या राजस्थान अपने इसी तरह के प्रदर्शन को जारी रखता है या नहीं।